संत सेवा के माध्यम से, ठाकुर सेवा के माध्यम से, गो सेवा के माध्यम से संपूर्ण धरती पर भक्ति का विस्तार किया। अन्यथा नहीं मानना, इन संतों से श्रेष्ठ प्रचारक इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। ये बड़े भोले होते हैं, बड़े सरल होते हैं। सुर साधु चाहत भाव सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। ठाकुर जी भावग्राही हैं और संत भी भावग्राही, पदार्थग्राही नहीं। इसलिए संत सेवा के लिए सामर्थ्य अपेक्षित नहीं है, संत सेवा के लिए भाव अपेक्षित है। संसार में बड़े से बड़े सामर्थ्यवान लोग पड़े हैं, अपार धन है उनके पास, पर क्या गो सेवा हो पा रही है उनसे, संत सेवा हो पा रही है उनसे? सामर्थ्य से सेवा नहीं होती है, सेवा में भाव की प्रधानता है। आपका संत सेवा में भाव नहीं हो तो श्री अयोध्या वृंदावन में भी स्थान बना के बैठ जाओ, कोई साधु आसन लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। तमाम स्थान पड़े, और आपके हृदय में भाव होवे, आप एवरेस्ट की चोटी पर, कोई आश्रम नहीं है अब तक, लेकिन कथनचित एवरेस्ट की चोटी पर आप आश्रम बनाकर बैठ जाओ और वहां भाव से संत सेवा करने लग जाओ, तो हमारे संत भगवान इतने धीर वीर हैं और इतने कृपालु हैं कि सेवा का सौभाग्य प्रदान कराने के लिए वहां तक पहुंच जाएंगे। ये हमारे साधुओं की निजी चर्चा है, संतों के स्थान में कोई महात्मा आए, महंत जी ने बहुत आओ आओ गुरु भाई, दंडो दंडो आओ, विराजो, आसन लगवा दिया, प्रेम से उनको भाव से रखा। अरे नहीं, अभी तो आप आए हो, अभी नहीं जाने देंगे आपको, सावन सावन तो वृंदावन रहना ही पड़ेगा आपको, फिर भादों में जन्माष्टमी राधाष्टमी छोड़ के कैसे जाएंगे? और वो संत जब जाएंगे ना कहीं, तो जहां जहां स्थानों में होते हुए जाएंगे, जहां उनको संत मिलेंगे, अरे गुरु भाई क्या बता मैं, वृंदावन में गए थे, अमुक आश्रम में गए थे, ऐसे भावुक महंत जी हैं, क्या कहें। गुरु भाई आप जा रहे हो वृंदावन, वहीं आसन लगाना, दूसरी जगह मत जाना। हाँ, और किसी ने जाकर दंडोत किया और महाराज जी देखे ही नहीं नीचे, वो ऊपर देखते रहे, तो महात्मा तो चले जाएंगे पर वो कहेंगे अरे वृंदावन जा रहे हो, अमुक स्थान में मत जाना, बड़ा घमंडी महंत है महाराज, देखता नहीं, साधु दंडोत करता वो आसमान तरफ देखता है, पता नहीं क्या बन गया, अखिल ब्रह्मांड नायक बन गया, क्या बन गया तुम्हारा। ये संत लोग प्रचार भी खूब कर देते हैं, और कहीं सेवा में भाव न हो तो उसकी भी खूब प्रसिद्धि हो जाती है। वाह, भले ही फूस की झोपड़ी हो, कच्चा घर हो, पर दस पांच साधु की जूठन गिर जाए तो उस गृहस्थ का जीवन धन्य है। संत विचरण करते हैं, संत सुखी विचरंती मही। अब संत विचर विचर करके नरसिंह जी की भक्ति का प्रचार करते हैं। संत कहते हैं हमारा साधु बनना तो सफल हो गया, हमें नरसिंह जी का दर्शन हो गया। कितने संत तो तीर्थ यात्रा के निमित्त निकलते हैं जूनागढ़ होकर के, पर नरसिंह जी के निकट पहुंचने के बाद उनकी सब यात्राएं बंद हो जाती हैं। बोले सारे तीर्थ धाम तो आपके घर में हैं, अब आपका पवित्र आश्रय छोड़कर हमको कहीं जाना। नरसिंह जी के घर में संतों की जमात, जहां देखो वहां संत, जहां देखो वहां संत, आवे बहु संत, सुख देते हैं अनंत, अनंत गुणित सुख संतों को देते हैं। अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, संतों का सुख क्या है? बहुत बढ़िया भोजन,
बहुत बढ़िया वस्त्र आभूषण, बहुत मोटा लिफाफा, हमारे जैसे भेष बनाकर घूमने वालों का तो शायद ये भी सुख हो जाए, लेकिन वस्तुतः जो महात्मा होते हैं उनका सुख तो युगल ही उनका सुख है, युगल ही उनके प्राण धन है, युगल ही उनका जीवन धन है। इसका तात्पर्य संतों का सर्वोत्कृष्ट सुख है, उन्हें कथा कीर्तन उत्सव का सुख मिले, ये संतों का सर्वोपरि सुख है। और ये अनंत गुणित सुख संतों को कहां मिलता है? नरसी जी के घर में मिलता है, क्योंकि प्रातः काल मंगला से लेकर के शयन तक अष्टयाम सेवा, राग भोग की सेवा, ठाकुर जी को नित नवीन लाड़ लड़ाया जाता है। देखो भैया, मार्ग तो सब अच्छे हैं, भगवान की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन हमारे रसिकों का जो मार्ग है, वैष्णवों का जो मार्ग है, उसके जैसा मार्ग कोई दूसरा नहीं। आंख नाक कान दबाते रहो और सूख के लक्कड़ हो जाओ तो भी मोक्ष भली मिल जाए, रस तो नहीं मिलेगा। सुत बनिता धन्य गुरु जिन नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जीवन धन्य हो गया। दास शब्द में व्यासी दो अक्षर हैं, दा और स। दा माने ददाती और स माने सद्यः। जो सद्यः दे देता क्या? बोले ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई ही। शास्त्र के मर्मज्ञ महापुरुषों ने ये बात कही है, बोले भगवान की शरण ग्रहण कर लो, जिस दिन शरण में चले जाओगे गोपाल जी की ना, उसी दिन तो मुक्त हो गए। अब मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं है, जिस दिन ठाकुर जी के शरणागत हुए उसी दिन संसार छूट गया, खत्म हो गया। अब कालक्षेप है, वैष्णव को किस पद्धति से अपने जीवन का विनियोग करना चाहिए, अपना समय निरंतर भगवत भागवत चर्चा में, भगवत भागवत सेवा में ही लगाना चाहिए, इसको हमारे वैष्णवों की भाषा में कालक्षेप कहते हैं। इस कालक्षेप के लिए ही घर में ठाकुर जी पधराए जाते हैं, इस कालक्षेप के लिए ही संतों के चरणों में बैठकर सत्संग किया जाता है। आहा, तो आवे बहु संत, और संतों को सत्संग का अनंत सुख प्राप्त होता है। नरसी जी के यहां आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत गुण, गावत रिझावत ओ सेवा विधिधारी है। गाते हैं संतों को, रिझाते हैं, और ठाकुर को जैसे लाड़ लड़ाते हैं ऐसे ही ठाकुर के ठाकुर संतों को लाड़ लड़ाते हैं, ठाकुर की ठाकुर गैया मैया को लाड़ लड़ाते हैं, सुंदर सेवा करते हैं। आपके यहां कितने संत थे? कोई गिनती नहीं है महाराज, पर कुछ संतों की गिनती है। वो किन संतों की गिनती है? सोलह संत तो सूरदास थे इनके इस घर में। कितने? सोलह संत तो जन्मांध थे, सोलह सूरदास। संत आ गए, बाबा अब कहूं मत जाओ, यहीं विराज। इतने संत निरंतर आपके यहां विराज थे, और इन संतों का तो व्यसन ही है कथा कीर्तन का, प्रातः काल से लेके रात्रि तक, और ठाकुर जी की शयन के बाद भी महाराज ऐसा झूम करके नाम संकीर्तन होता कि महाराज क्या कहना। महाराज उस नाम संकीर्तन में नरसी जी को तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन
जो विरोधी हैं उनको भारी पीड़ा है। क्या पीड़ा है महाराज? महात्मा दुष्टों का कुछ बिगाड़ते नहीं है, वो तो सर्वभूत सुहृत्तमः, सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं, लेकिन ये दुष्ट संतों के उत्कर्ष को खुद ही सहन नहीं कर पाते। इसी को रहमन जी ने कहा है, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने इनके फाटत अंग। नरसिंह जी का कोई झगड़ा थोड़ी था किसी से, नरसिंह जी को अवकाश कहां था किसी से चर्चा करने का भी, पर निंदा पर चर्चा की बात तो दूर है। भगवत भागवत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा में इतने डूबे हुए थे नरसिंह जी कि उन्हें किसी की ओर दृष्टिपात करने का भी अवकाश नहीं था। और सच्ची बात तो यह है, इसी जीवन में परम प्रेम की प्राप्ति करना चाहो तो अपने जीवन को इसी तरह कस देना चाहिए। हम इतने कस जाएं साधन में, भजन में, सत्संग में, सेवा में, कि हमको एक क्षण का भी अवकाश पर निंदा पर चर्चा के लिए न मिले, हमको किसी के संबंध में गुणदोष के विचार करने का अवकाश न मिले, इतना व्यस्त बना दो। नरसिंह जी के हृदय में श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से वाणी जागृत होती है और वे नवीन नवीन पदों की रचना करके अपने सांवरिया को सुनाते हैं। संत मंडली को सुनकर के बहुत सुख मिलता है। धन्य है, धन्य है नरसिंह जी, धन्य है। इसी रसास्वादन के लिए तो हमने आपके ठाकुर जी के यहां आसन रखा है।